नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज जो हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं, न्यूज़ लेकर आए हैं, वो सबसे बड़ी है, महत्वपूर्ण है आपके लिए कि जिस भर्ती का आपको इंतज़ार था वो निकल चुकी है। डेट इसकी जो भरने की है वो शुरू हो रही है, अप्लाई करने की जो आवेदन करने की जो तारीख है वो शुरू हो रही है आज से। तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से आप संतुष्ट होते हैं, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स की, तो हमारे साथ इस चैनल हिम तक पर जुड़ेगा। हम आपको डेली अपडेट्स देते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, जो भी नई नोटिफिकेशन निकलती है उसके बारे में हम आपको सूचना देते हैं। और जिन लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही, तो वो सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी जैसी आती है बेल आइकन छोटी सी, उसको दबा लीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको एक अलार्म की तरह जब भी हमारी वीडियो अपलोड होती है तो आपको सूचना मिल सके। तो हम बात करेंगे आज एसएससी की। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो एमटीएस की जो वैकेंसी थी, रिक्रूटमेंट 2019 फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये वैकेंसी, ये पोस्ट नेम होगा उसमें, और जो पद भरे जाएंगे 10,000 जो वैकेंसी भी भरी जाएगी। जो मेन है इसकी लास्ट डेट कब है, तो 22 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22 मई 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 23 मई को रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, वो भी आपको पता होगा। और जो मेन है इसमें कि वैकेंसी कौन कौन सी है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये नोटिफिकेशन है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी जानकारी हम आपको देंगे कब आपका एग्ज़ाम होगा, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन जो इसके लिए योग्यता चाहिए वो आपकी 10वीं पास अगर आप हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने से अगर आप हो तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब रोल की, तो जॉब कौन सी है, पोस्ट है कौन सी होगी, तो एमटीएस की ये मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये पोस्ट है भरी जाएंगी। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। टोटल जो वैकेंसी है 10,000 से ज़्यादा इसमें पोस्टें भरी जाएंगी। एक्सपीरियंस इसमें आपके लिए कुछ नहीं मांगा हुआ है, फ्रेशर अगर आप हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी क्या होगी आपको पता है, जो आपको वेतन भत्ते मिलते हैं उसी प्रकार से 20 से 25,000 रुपये आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी। अब जॉब लोकेशन कहाँ है इसकी, तो अक्रॉस इंडिया मीन्स कि आप जहाँ से भी हो, आपके पूरे जो भारत के जितने लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जहाँ से भी हो, जो भी भर्ती की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, जो गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नोटिफिकेशन निकलती है वो हम आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जानकारी लेकर आते हैं। तो हमारे साथ आप इस चैनल हिम तक पर जुड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन को दबाएगा, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब जो इसके बाद था कि जो स्टार्टिंग डेट है वो कब से है, तो आज है 22 अप्रैल, अभी रात के 12 बजे 22 अप्रैल शुरू हुआ है। तो लास्ट डेट जो है इसकी 22 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा एक महीने का आपको टाइम इसमें मिलेगा। अब जो मेन है इसके लिए कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, अगर आप 10वीं पास है तो फिर आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो एज लिमिट इसके लिए चाहिए, एज में भी आपको छूट है, तो बहुत बड़ा मौका मैं आपके लिए कह रहा हूँ। जनरल के लिए जो एज है 18 से 25 साल अगर आप हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, ये आपको पता है कि आपको छूट होती है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 साल के SC ST के लिए छूट होती है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक। 3 साल के लिए OBC में आपको छूट दी जाती है, 10 साल की छूट दी जाती है फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए, और 13 साल जो OBC वाले हैं, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप जो दिव्यांग है उनके लिए होती है। 10 साल की छूट जो दिव्यांग जनरल से बिलोंग करते हैं उनके लिए होती है 13 साल की OBC वालों के लिए, और 15 साल के तक छूट जो कोई वैकेंसी हो उसमें दिव्यांग जो SC ST के उनको छूट इसमें मिलती है, अदर एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ इस चैनल के जरिए कि आपको हर वैकेंसी में OBC के लिए, SC ST के लिए, फिजिकल हैंडीकैप, दिव्यांग जो उनके लिए छूट जो भी होती है, जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उनके मुताबिक हमको, हम आपको जानकारी देते हैं। अब जो मेन सबकी नज़रें होती है कि सिलेक्शन आपका किस प्रकार से होगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार आपको कोई और वीडियो ना देखना पड़े, इसलिए पूरी जानकारी जो आपको दे रहे ऑफिशियल हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आज से आप जो SSC की वेबसाइट का अप्लाई करने का लिंक है वो भी हम आपको दे देंगे, ताकि आप इसके लिए अप्लाई डायरेक्ट कर पाए रजिस्ट्रेशन।
तो रिटन एग्ज़ाम जो आपका पेपर वन होगा इसमें, और उसके बाद होगा आपका पेपर टू। पेपर वन जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, और जो पेपर टू होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में ये पेपर होगा। और पेपर विल बी ओनली बी क्वालिफाइंग नेचर, ये आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर करें पेपर होंगे। और इसमें क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो पेपर वन है इसमें क्या क्या आएगा आपके लिए, किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन आएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कब होगा वो भी हम आपको बता देंगे। अब जो मेन इसमें सब्जेक्ट वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, और नंबर ऑफ आंसर एंड क्वेश्चन क्वेश्चन एंड मार्क्स जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जो पहला था जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का, आपको ये पेपर आएगा 25 जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको आएंगे 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन हो गया आपके इस प्रकार से, ये आपको मैंने बता दिया 25 क्वेश्चन आएंगे आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। उसके बाद आएंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये आपको आएंगे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सेम इसके रहेंगे, तो ये हो गए 50 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन इसमें ऐड आपको आएंगे क्वेश्चन में। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उसके बाद होगा जनरल अवेयरनेस का आपका एक पेपर, इसमें ऐड क्वेश्चन जो जितने भी सब्जेक्ट आपको बताए हुए ये पेपर वन में, इनमें से आपको क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश के आपको 25 क्वेश्चन आएंगे ना, उसके बाद जनरल अवेयरनेस के आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल जो होगे वो आपके 100 इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ये होगे। उसके बाद जो फेज़ टू है जो पेपर टू होगा इसका, शॉर्ट एसे लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में जो भाषाएँ दी हुई है आपको शॉर्ट ऐसे लिखना है इंग्लिश में, और या फिर एनी अदर लैंग्वेज में जो संविधान में दी हुई है। तो 50 मार्क्स का आपको ये होगा आपका जो ऐसे, और इसमें आपके लिए टाइम होगा 30 मिनट। अब जो मेन होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या होगी, तो बहुत ही बड़ा मौका मैं आपको फिर कह रहा हूँ एक बार, 100 रुपये फीस होगी जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे। लड़के लड़कियाँ दिव्यांग जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, और जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई फीस इसमें नहीं होगी। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सिर्फ 100 रुपये जनरल के जो कैंडिडेट है बॉयज़ उनके लिए 100 रुपये फीस है, बाकी कोई फीस इसके लिए नहीं। अब मोड ऑफ पेमेंट जो होगा आपका, कि कैसे आप ये पेमेंट अपनी बैंक को या जो SSC को भेजोगे, ठीक है। तो मेन सभी का ये सवाल होता है, क्योंकि अभी जो वैकेंसी भरी जा रही है हिम तक पर, हमने आपको डेली अपडेट्स दी है कि जो पुलिस की भर्ती भरी जा रही है इसमें 1063 जो पोस्टें भरी जा रही है। पेमेंट को लेकर बहुत से कमेंट आप लोगों के आ रहे, तो उस पर भी हम आपको एक दो दिन में जानकारी दे देंगे। SBI चलान मोड ऑफ पेमेंट हम बता रहे हैं आपको, SBI चलान, SBI नेट बैंकिंग और यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओनली, ये बताया हुआ है। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो है वो आपका हर बैंक का चल पड़ेगा इसके लिए। अब जो मेन था कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट का हम आपको लिंक दे देंगे, जो भी आपको जानकारी चाहिए हिंदी इंग्लिश में पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। हाउ टू अप्लाई टू, ऑल इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर SSC MTS 2019 वैकेंसी थ्रू ऑनलाइन फ्रॉम 22 अप्रैल। आज सुबह आप जब उठोगे या वीडियो देखोगे ये, तो आपको अप्लाई करने का लिंक मिल चुका होगा। तो 22 मई तक फिर आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं, पूरा एक महीने का टाइम आपके पास होगा। और जो वेबसाइट है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि कैसे आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। अगर आपको डेमो चाहिए होगा कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो डेमो भी हम आपको बता देंगे कि अप्लाई या रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं SSC की, तो वो भी हम आपको कंप्यूटर से बता देंगे। अब जो नोटिफिकेशन अवेलेबल ऑन SSC वेबसाइट, आज आपको मिल जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी। स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आज से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे 22 अप्रैल से। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 22 मई तक इसकी अंतिम तारीख जो होती थी भरने की वो 22 होगी।
और लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट ये 24 मई तक आपको टाइम मिलेगा इसका फीस सबमिट करवाने के लिए। और जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान, तो जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान जो आपका होगा इसके लिए सेम टाइम रहेगा 24 मई तक। परंतु मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास एटीएम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। और बाकी जो है सब कुछ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब है, तो वो मेन और सबसे लिए इम्पोर्टेंट है सबके लिए कि आपका जो इसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, पेपर वन का। तो पेपर वन होगा आपका 2/8/2019 से 6/9/2019 तक पेपर होगा, क्योंकि ऑल इंडिया पर अक्रॉस इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पूरे भारत के जितने 29 स्टेट केंद्र शासित प्रदेशों के जो कैंडिडेट हैं वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी वैकेंसीज है उनका सिलेक्शन कैसे होगा पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सिलेबस के लिए आपको अलग से हम बता देंगे कि कौन सी बुक इसके लिए बेस्ट रहेगी। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जाएंगी, मैंने आपको जानकारी दे दी है। और फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कि कैसे आप अप्लाई इसकी कर सकते हैं वो हम आपको बता देंगे। और कुछ इसमें हम ऐड करना चाहेंगे, जैसे वेबसाइट जो एसएससी की है वो आप डायरेक्ट उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार से आपको पता ऑनलाइन जो उसके अप्लाई आप करते तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वो आपको करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है एसएससी की वो भी इतनी बड़ी नहीं है, उसमें आपको नॉर्मली सब कुछ भरना पड़ता है। उसके बाद आपको 10th का जो सर्टिफिकेट है आपका, उसका रोल नंबर आपको जब आप अप्लाई करोगे तो वो सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम ही आपके वो रोल नंबर और पूरी जो जानकारी वो वहाँ से मांगी जाती है, रजिस्ट्रेशन में आपको भरना पड़ता है। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश पुलिस में जो वैकेंसी भरी जा रही है उसमें भी रजिस्ट्रेशन 10th का सर्टिफिकेट नंबर वो मांगा जा रहा है, रजिस्टर नंबर। और इसके साथ साथ आपको पता है एक फ़ोटो लगेगा आपका, सिग्नेचर होगी वो स्कैन या फ़ोटो अपने फ़ोन से आप लेकर वो भर सकते हैं। तो बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, ताकि आने वाली जो भी भर्तियां हैं भारत के किसी भी स्टेट में, आप हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहाँ से भी आप हो, अगर आपको चाहिए कि आपको इन्फॉर्मेशन हम देते रहे तो हमारे साथ आप इस चैनल पर जुड़िएगा। हम तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, पूरी जानकारी हम आपको डेली अपडेट्स देते रहते हैं, जो भी वैकेंसी निकलती है उसकी सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं। तो हमारा चैनल इसको सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतने, नमस्कार, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वेबसाइट का जो लिंक है इसका एसएससी का अप्लाई करने का रजिस्ट्रेशन लिंक वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सुबह तक आज के लिए इतने, नमस्कार, जय हिंद।